कोई सीक्रेट नहीं है कि रनिंग एक्सरसाइज करने का एक पॉपुलर तरीका है, चाहे आप मॉर्निंग रनिंग के लिए जाएं, काम के बाद जाएं या शाम को। वास्तव में हर साल लाखों लोग इसे करते हैं। नियमित रूप से दौड़ना बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट से जुड़ा हुआ है। इससे लोगों को वजन कम करने में मदद मिलती है और मूड एंड सेल्फ डेवलपमेंट में सुधार होता है। जो कोई भी रेगुलर दौड़ता है वह जानता है कि एक्सपीरियंस काफी स्पिरिचुअल होता है। तो क्वेश्चन ये आता है कि लाखों लोग ऐसा क्यों करते हैं, तो चलिए देखते हैं क्या होता है जब हम एवरीडे रनिंग करते हैं। रिलीफ स्ट्रेस एंड मेंटल हेल्थ। नियमित रूप से दौड़ना आपके तनाव और चिंता के स्तर को कम करने में मदद करता है। चिंता शारीरिक परिवर्तनों का कारण बनती है, जैसे हार्ट बीट इंक्रीजेस, तेजी से सांस लेना, पसीना आना और अन्य लक्षण। यदि आप लगातार तनाव महसूस करते हैं तो दौड़ने का लाभ आपके शरीर के कोर्टिसोल यानी एक तनाव हार्मोन होता है, स्तर को कम करता है, जो आपको अधिक आराम महसूस करने में मदद करता है। साइंटिस्ट भी कहते हैं कि रनिंग मेंटल हेल्थ से जुड़ी प्रॉब्लम जैसे डिप्रेशन, स्ट्रेस, मूड स्विंग जैसे लक्षणों को कम करने में मदद करता है। जब आप दौड़ते हैं तो आपका शरीर एंडोकैनाबिनोइड से न्यूरोट्रांसमीटर छोड़ता है, जो शरीर में स्वाभाविक रूप से होते हैं। दौड़ने के बाद ये नेचुरल केमिकल्स आपके बॉडी में ब्लड फ्लो को बैलेंस करता है और ब्लड को ईजिली आपके ब्रेन में भर देता है, जिससे रेस्ट और शांति की भावना पैदा होती है। हालांकि दौड़ने से आपके लाइफ की सभी समस्याएं ठीक नहीं होंगी, लेकिन ये आपको थोड़ा कम चिंतित महसूस करवाता है और लाइफ में एक बैलेंस को प्रोवाइड करवाता है। अपने दैनिक दिनचर्या में रनिंग को शामिल करना एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है आपकी लाइफ में। इंक्रीज्ड लॉन्गेविटी। दौड़ने के सबसे अद्भुत लाभों में से एक यह है कि ओवरऑल लाइफ लॉन्ग पर इसका प्रभाव पड़ता है। स्टडी के अनुसार दौड़ने से समय पूर्व मृत्यु दर में 25-40% की कमी आई है। रिसर्चर का मानना है कि ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि दौड़ने से पुरानी बीमारियां कम हो सकती हैं। इस प्रकार लॉन्गेविटी इंक्रीज हो सकती है। यहां तक कि वीक में सिर्फ 1 घंटा दौड़ना भी काफ़ी है आपके ओवरऑल लाइफ के लिए। वेट लॉस। रनिंग वेट लॉस करने के लिए व्यायाम के सर्वोत्तम रूप में से एक है। यह न केवल बहुत अधिक कैलोरी बर्न करता है, दौड़ने से पेट की अतिरिक्त चर्बी भी कम होती है और आपके शरीर के हार्मोन्स के उत्पादन को भी कम करके और सैटिटी हार्मोन के उत्पादन को बढ़ाकर आपकी भूख को दबा देता है। इससे आपके द्वारा कंज्यूम की जाने वाले टोटल कैलोरी में कमी आती है, जिससे आपका वेट ईजिली लॉस हो जाता है। एक अध्ययन में जो लोग 1 वर्ष से अधिक समय तक दौड़ते थे, उनके शरीर के बॉडी मास और शरीर में फैट परसेंटेज में उन लोगों की तुलना में महत्वपूर्ण कमी थी जो रनिंग बिल्कुल भी नहीं करते थे। इंक्रीज्ड बोन डेंसिटी। हमारी बॉडी में बोन लिविंग टिश्यू है, जो आपके आहार और शारीरिक गतिविधि जैसे बाहरी ताकतों के जवाब में समय के साथ बदलता है। जब आप नियमित रूप से दौड़ने जैसे हाई इंटेंसिटी वाले व्यायाम में भाग लेते हैं तो आपकी हड्डियां अधिक हड्डियों के निर्माण और डेंसिटी में ग्रोथ करती है। स्ट्रॉन्ग हाई डेंस बोन का मतलब है कि उनमें फ्रैक्चर होने की संभावना कम होगी। दौड़ने के इस जबरदस्त लाभ को पाने के लिए आपको यह भी सुनिश्चित करना होगा कि आप एक संतुलित आहार खा रहे हैं। जैसे जैसे आप दौड़ते हैं, आप अपनी हड्डियों पर जो प्रेशर डालते हैं वह आपकी हड्डियों के डेंसिटी को बढ़ाकर समय के साथ उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाता है। बिल्ड्स मसल स्ट्रेंथ। दौड़ना अक्सर कार्डियो के रूप में देखा जाता है, लेकिन यह संपूर्ण शरीर की कसरत भी है। जब तक आप अपने शरीर को पर्याप्त ईंधन देते हैं, दौड़ने से आपको मजबूत मांसपेशियां बनाने, अपने पैरों, ऊपरी शरीर और कोर की ताकत में सुधार करने में मदद मिलती है। हालांकि चलने के मांसपेशियों के निर्माण के लाभ काफ़ी हद तक आपके रनिंग की तीव्रता और अवधि पर निर्भर करते हैं। एक शोध अध्ययन ने निर्धारित किया कि 10 सप्ताह के HIIT वर्कआउट के बाद, जिसमें निर्धारित समय के लिए जितनी जल्दी हो सके रनिंग शामिल था, व्यक्तियों ने नियंत्रण समूह की तुलना में जांग के सामने की मांसपेशिया फाइबर में 11% की ग्रोथ प्राप्त की। यह सुझाव देता है कि लंबी दूरी की दौड़ के बजाय दौड़ना मांसपेशियों के निर्माण के लिए सबसे अच्छा है। रिड्यूस्ड रिस्क ऑफ कैंसर। एक अध्ययन में 1.4 मिलियन एडल्ट्स की आदतों को देखा गया और पाया गया कि हाई फिटनेस व्यायाम करने वालों जैसे धावकों में कम और गैर व्यायाम करने वालों की तुलना में 26 विभिन्न प्रकार के कैंसर विकसित होने का जोखिम कम था। हालांकि अध्ययन के लेखकों ने अन्य या जीवन शैली की आदतों को ध्यान में रखते हुए जैसे कि धूम्रपान न करना, उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि कैंसर को रोकने के लिए व्यायाम के बहुत विशिष्ट स्वास्थ्य लाभ है। जो लोग कैंसर विकसित करते हैं उनके लिए शोधकर्ता संकेत देते हैं कि दौड़ना अभी भी स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। यह मृत्यु दर को कम करता है और कैंसर के एक अलग रूप में लौटने के जोखिम को कम करता है। यह कीमोथेरेपी जैसे चुनौतीपूर्ण कैंसर उपचारों के दुष्प्रभावों की गंभीरता को भी कम कर सकता है।
गेट बेटर स्लीप। आप मानो या ना मानो, हर दिन 1 किलोमीटर दौड़ना आपको रात में अच्छी नींद लेने में मदद करता है, जबकि आप सोच सकते हैं कि अपने आप को थका देने से बेहतर नींद आती है या उससे कई अधिक जटिल है, क्योंकि दौड़ने से एंडोर्फिन हार्मोन रिलीज होता है जो आपके बॉडी में दर्द को दूर करने, तनाव कम करने और मूड में सुधार करने में मदद करता है। वे आपके ब्रेन में उत्पन्न होते हैं और आपके शरीर मैसेंजर के रूप में काम करते हैं। रनिंग करने से आपके शरीर का तापमान बढ़ जाता है और जैसे ही आप दौड़ने के बाद शांत हो जाते हैं, वह परिवर्तन आपके शरीर को आराम देता है और आराम के लिए तैयार करता है और आपको फ्रेश होने का मौका देता है। बिकम स्मार्टर। दौड़ना आपके दिमाग में नई ग्रे मैटर के विकास को बढ़ावा देता है। यह सही है, आप स्नीकर्स की एक जोड़ी पहनकर और जॉगिंग के लिए सचमुच अपने दिमाग का विस्तार कर सकते हैं। आपका शरीर जितनी अधिक ब्रेन टिश्यू का निर्माण करता है, आपको नई चीज़ें सीखने और महत्वपूर्ण जानकारी याद रखने के उतने ही अधिक अवसर मिलते हैं। साथ ही आपके सीखने की गति भी तेज हो जाती है। इसका मतलब है कि एक रात पहले परीक्षा के लिए अध्ययन करना थोड़ा आसान हो सकता है। जबकि हम वादा नहीं कर सकते कि हर दिन 1 किलोमीटर दौड़ना आपको नोबल विजेता बना देगा, यह विश्वास के साथ कह सकते हैं कि आप पहले से कई अधिक सतर्क और सीखने के लिए तैयार रहेंगे। एरोबिक गतिविधि आपके शरीर में कोर्टिसोल के स्तर को बढ़ाती है, जो इन्फॉर्मेशन रिटेंशन और याद रखने की क्षमता को बढ़ाती है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप छात्र हैं या कामकाजी पेशेवर या किसी भी उम्र के एथलीटों के लिए एक अच्छी खबर है कि कोई भी कभी भी कहीं भी रनिंग कर सकता है।